और इसी बीच एक बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कठुआ में आतंकी हमला हुआ है। ये बड़ी जानकारी आई है। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर ग्रेनेड फेंका था। कठुआ के बिलावर इलाके में ये आतंकी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और साथ ही आतंकियों के साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। हमारे सहयोगी शहनवाज खान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। शहनवाज, क्या कुछ अपडेट इस वक्त का आपके पास? अनुराग, देखिए मुठभेड़ दोनों तरफ से शुरू हो गई है और ताबड़तोड़ गोलियां इस समय पूरे इलाके में वहां पर चल रही हैं और सुनाई भी दे रही हैं आसपास के इलाकों में। और मैं आपको बताऊं कि ये जो खबर हमारे पास है उसके मुताबिक सेना की एक गाड़ी जो है वो इस मिचेरी इलाके से गुजर रही थी, उसी दौरान वहां पर बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी हैं, उन्होंने ग्रेनेड फेंका है गाड़ी पे। गनीमत ये रही है कि सेना का कोई भी जवान उसमें कोई हताहत नहीं हुआ है, घायल जरूर हुए हैं, लेकिन उसके बाद से ही सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और जिस जगह पे आतंकी हैं वो भी ट्रेस कर लिया गया है और दोनों तरफ से फायरिंग यहां पर चल रही है। और कोशिश यहां पर सेना की यही है कि जल्द से जल्द इन आतंकियों को अनुराग मार गिराया जाए। और मैं आपको बता दूं कि डेस्परेट नजर आ रहे हैं आतंकी, क्योंकि ऑपरेशन लगातार पूरे जम्मू कश्मीर में यहां पर चल रहे हैं। पिछले एक हफ्ते की बात करें तो अभी जो कुलगाम में इनकाउंटर हुए हैं उसमें 6 आतंकी मारे गए हैं, इससे पहले जम्मू और डोडा में 5 आतंकी मारे गए हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो ऑपरेशंस हैं उससे कहीं ना कहीं ये आतंकी जो हैं वो बौखलाए हुए हैं और इस तरह की हरकतें करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेना पूरा ऑपरेशन वहां पर कर रही है, सेना के साथ पुलिस भी वहां पर मौजूद है और इस समय दोनों तरफ से फायरिंग जो है अनुराग वहां पर हो रही है। कितने आतंकियों की होने की जानकारी है शाहनवाज, क्योंकि जिस तरह से मुठभेड़ चल रही है ये और कितनी लंबी चल सकती है, और क्या इसके आसपास के इलाके को भी सील किया गया है? देखिए बिल्कुल, जितने भी एडजॉइनिंग रोड्स हैं उनको उन पर नाके लगा दिए गए हैं, किसी को आगे जाने नहीं दिया जा रहा। जो वहां पर खबर मिल रही है उसके मुताबिक 2 से 3 का आंकड़ा ये आतंकियों का हो सकता है और लगातार इस तरह के इनपुट्स हैं कि विदेशी आतंकी जो हैं वो अलग अलग इलाकों में उन्होंने अपना नेटवर्क बनाया है और उसी नेटवर्क को ब्रेक करने में सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं और लगातार इस समय कामयाबी मिल रही है। यही कारण है कि कई आतंकी मारे गए हैं और अब एक तरह से डेस्परेट अटेम्प्ट है कि सेना के काफिले पर वहां पर हमला किया गया है, लेकिन सेना वहां पर मुस्तैद है। सेना ने QRT टीम जो है उसने पूरे इलाके को वहां पर घेरा हुआ है और इस समय दोनों ही तरफ से वहां पर फायरिंग जो है वो चल रही है। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट हमारे सहयोगी शहनवाज खान बता रहे हैं किस तरीके से आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। और इस वक्त की जो अपडेट है वो क्या है वो हमारे सहयोगी बता रहे हैं। दरअसल में कठुआ से ये अपडेट सामने आ रही है, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है, सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है कठुआ में। तो ये कुछ देर पहले की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं इस वक्त। सर्च ऑपरेशन के साथ साथ जो मुठभेड़ चल रही है, आप देखिए किस तरह से हमारे सहयोगी ये बता रहे थे कि जो आतंकी हैं वो पूरे डेस्परेट थे और इसी को ध्यान में रखकर ये जो हमला है वो किया गया। अच्छी खबर इसमें ये रही कि किसी भी जवान को किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई, लेकिन फिलहाल अभी मुठभेड़ चल रही है।